हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंडेड किया था कि मुंबई में मीरा रोड वाले एरिया में वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह सुबह, वो भी 8 से 10 के बीच में। अगर आप वहाँ पे 200 रुपीज पे करेंगे तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा। वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा होटल है और कौन सी जगह पे ये अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मिल रहा है। और इस होटल की सारी जो डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। और एंजॉय करते हैं अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट का। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं पहुँच गया होटल के सामने और होटल का नाम है वॉक्सटॉन इंडिया। और आप देख सकते हैं वहाँ पे सुबह सुबह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर गेस्ट होंगे वो आके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ पे जो बाहर से भी आ सके आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी प्लेट ले लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क रखे हैं, कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं और ये यहाँ पे रखे हुए बटर, जैम और शुगर क्यूब्स, ब्रेड, पाव। पाव तो होंगे क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं तो पाव तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये रखी अपनी गर्म गर्म पूड़ियाँ एकदम फ्रेश। और ये रखे अपने आलू की सब्ज़ी, बोले तो आलू की भाजी और पोहा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं लोग ब्रेकफास्ट में पोहा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये है अपना सांभर एकदम ताज़ा ताज़ा गरम गरम। और ये है अपने मेंदू वड़े और इडली, देखिए कितने तरीके से अच्छे से रखी हुई है, देखते ही मुँह में पानी आ जाए। और यहाँ पर रखा है गर्मा गर्म शीरा, ये देखिए मुंबई में ठंड पड़ रही है। और नॉन वेज वालों के लिए यहाँ पर है एग भुर्जी, बोले तो अंडा भुर्जी। और नॉन वेज वालों के लिए यहाँ पे बॉइल्ड एग और आमलेट भी मिलता है, अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पे गर्मा गर्म आमलेट भी बना के देते हैं। तो हमने अपनी प्लेट ले ली है और साथ में ले ली स्पून एक सांभर के लिए और चटनी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे पूड़ी, बोले तो गर्मा गर्म पूड़ी, ये हमने ले ली 2-3 पूड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे आलू की सब्ज़ी और पोहा। आलू की सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है, इसके अंदर धनिया वनिया का अच्छे से प्रयोग किया गया है। ये आलू की सूखी सब्ज़ी है और साथ में हम लेंगे पोहा। आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ले ली है, मेरे को पसंद है। और थोड़ा सा हमने लिया है पोहा। अब हम सांभर ले लेते हैं। सांभर भी आप देख सकते हैं सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और सांभर हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि ये मेंदू वड़े में अच्छे से काम आएगा। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से वेजीज डाली हुई है। और इसको हम रख लेते हैं साइड में क्योंकि हमारी जो प्लेट है ऑलमोस्ट फुल होती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर आइटम बहुत ज़्यादा आ गए। और साथ में हमको अभी लेनी है चटनी भी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेंदू वड़े, और ये सांभर और चटनी के साथ तो एकदम ऑसम कॉम्बिनेशन होता है। सुबह सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट में खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। और साथ में लेंगे हम एक इडली क्योंकि बहुत सारे आइटम है हमारे पास खाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया अपना। और साथ में ले लेते हैं शीरा थोड़ा सा। वैसे सुबह सुबह मेरे को मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हल्के सा टेस्ट के लिए मैं ले लेता हूँ। और साथ में हम ले लेते हैं कोकोनट चटनी, ये देखिए ये कोकोनट चटनी ने बनाई है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, तड़का भी काफ़ी ज़्यादा उमदा लग रहा है। तो थोड़ी सी चटनी ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि ये चटनी जो है मेरे को मेंदू वड़े के साथ और सांभर के साथ खाने में इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, और साथ में हम इसको पोहे में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो थोड़ी मैं एक्स्ट्रा ले ले रहा हूँ एक ही बार में, इसको भी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि प्लेट में रखने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लेट है ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और कुछ बचा नहीं है। और जैसे कि आपको मैंने बोला था नॉन वेज वालों के लिए एग भुर्जी है और साथ में ये एग है बॉयल्ड एग, और वहाँ पे किसी के लिए आमलेट बनना था तो मैंने आमलेट का भी वीडियो मैंने निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से आमलेट दे रहे हैं विद बटर। तो चाय भी हम ले लेते हैं गर्मा गर्म। आप अनलिमिटेड चाय ले सकते हैं, अनलिमिटेड मिल्क ले सकते हैं, अनलिमिटेड अगर आप कॉफ़ी बोलेंगे तो कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर चाय ले ली थी पर मेरे को ये नहीं मालूम था कि चाय ये फीकी है, क्योंकि यहाँ पर शुगर क्यूब्स रखे तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा वालों के लिए होगा, बड़ी चाय हमारी फीकी थी, उसमें मैंने बाद में शुगर क्यूब्स डाल के उसको मीठा किया था। तो हमारा आप देख सकते हैं प्लेटर तैयार हो चुका है। मुंबई जैसी जगह में 200 रुपये में अनलिमिटेड
खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं सामने का व्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी गेस्ट लोग आए हुए हैं और बाहर से लोग आए हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया। अब मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है, और साथ में बटर भी ले लिया मैंने बाद में। और ये है अपना सांभर, चटनी, आलू की सब्जी, शीरा, मेंदू वड़ा, पूड़ी, और ये चाय गर्मा गर्म। फिर उसके बाद मैंने ये अपना शुगर क्यूब्स ले लिए थे इसमें डाल के पीने के लिए, क्योंकि चाय हमारी फीकी थी। तो चलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ ब्रेकफास्ट को, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसा था इसका टेस्ट और क्या रेटिंग मैं इसको देता हूँ कि। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता हो गया और आप देख सकते हैं सब लोग चले गए, और मैंने अच्छे से इसको एंजॉय किया। अभी खाली प्लेट हो चुकी है, इसको क्या दिखाऊँ, बट आप समझ सकते हैं मैंने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा नाश्ता लगा हुआ है। तो चलिए आपको मैं रिव्यू देता हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए, हमने जो ब्रेकफास्ट किया उसको हम पे कर देते हैं, और ये अपने होटल की एंट्री है और ये रिसेप्शन है, और यहाँ पे हमको पे करना होता है अपना अमाउंट। और आप देख सकते हैं होटल का नाम क्या है, और ये हमारी रिसिप्ट है जो हमने ब्रेकफास्ट किया। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैंने उसको अच्छे से इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा उसको फील किया। अगर आप 200 रुपये दे रहे हैं तो आप फील कर सकते हैं, बोलो तो एक स्पेशल फील कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं और अच्छे से बैठ कर आपको खाने को मिल रहा है। और ठंड चल रही है मुंबई में, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो सकता है खाना अगर आप थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि मैं लेट गया था। मेरे को पहुंचने में 9:30 का टाइम बच गया था, बोले 10 बजे तक सब लोग ख़त्म करके निकल जाते हैं। अच्छा था, वैरायटी थी, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, और जो सर्व करने वाले हैं और जो बताने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। ऑल अराउंड जो भी सब कुछ एम्बियंस था, जो भी था, सब अच्छा था। अगर मैं रेटिंग दूँ तो सब चीज़ मिला के, अगर आप फूड ले लीजिए, वहाँ का स्टाफ ले लीजिए, वहाँ का एम्बियंस ले लीजिए, अगर आप 200 रुपये में आपको और क्या चाहिए। अगर आप मुंबई जैसी जगह में आपको 200 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिल रहा है, बोलेगा अनलिमिटेड आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको रेटिंग दूंगा सब चीज़ मिला के 4 out of 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।